हाय दोस्तों, आप जुड़े हैं रमाकांत चौधरी के साथ और आज की जो कविता है वो है 500 रुपये का सुख। अभी मोदी सरकार ने जो 500 रुपये जनधन योजना के अंतर्गत खाते में भेजे हैं उनका सुख कैसा होता है, आइए इस कविता में जानें कि हरखू की पत्नी के खाते में जब से आए 500 रुपये उसकी गरीबी दूर हो गई। हरखू की पत्नी के खाते में जब से आए 500 रुपये उसकी गरीबी दूर हो गई। लॉकडाउन में वह इन रुपयों से निपटाएगी तमाम काम, इसलिए वह थोड़ा मगरूर हो गई। पहले जब हरखू मजदूरी करता था घर का खर्चा मुश्किल से चलता था, कभी कभी दाल तो कभी कभी चटनी से काम चलता था। इस महीने से यह समस्या दूर हो गई, इसलिए वह थोड़ा मगरूर हो गई। जबरदस्त महंगाई में इस बार वह एक साथ महीने भर का खरीदेगी राशन, फूले नहीं समा रही है। ऊपर से सिलेंडर फ्री मिला, इस बार गैस पर खाना बना रही है। गरीबों की बस्ती में वह अमीरों की तरह मशहूर हो गई, इसलिए वह थोड़ा मगरूर हो गई। हरखू 250 रुपये रोज कमाता था, उसके खाते में कभी 1 रुपया तक न जमा कर पाता था। हरखू 250 रुपये रोज कमाता था, उसके खाते में कभी 1 रुपया तक न जमा कर पाता था। इतनी महंगाई में 250 रुपये में रोज का खर्च ही मुश्किल से चल पाता था। 15 लाख न सही, 1500 तो आएंगे 3 महीने में। 15 लाख न सही, 1500 तो आएंगे 3 महीने में। इतने में वह माला माल भरपूर हो गई, इसलिए वह थोड़ी मगरूर हो गई। महाजन से नहीं लेना पड़ेगा कर्ज, अगले महीने फिर 500 आ जाएंगे। महाजन से नहीं लेना पड़ेगा कर्ज, अगले महीने फिर 500 आ जाएंगे। 2 बच्चों सहित पूरा परिवार महीने भर फिर मौज उड़ाएंगे। इन रुपयों से हर समस्या दूर हो गई, इसलिए वह थोड़ा मगरूर हो गई। और तो और इस बार राघव मुनिया जाएंगे स्कूल, बीमार सासू माँ की दवा भी आ जाएगी। 500 रुपया कोई छोटी रकम नहीं है, 500 रुपया कोई छोटी रकम नहीं है। महंगाई बेरोजगारी कलमुही हमारा क्या बिगाड़ पाएगी, ये सोचकर वह खुशी से चूर हो गई, इसलिए वह थोड़ा मगरूर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ एक निवेदन कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल बस तुम्हारे लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारी आप मदद करें और हम आपको ऐसे ही नए वीडियोस देते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।